है और आज आप लोगों की रिजल्ट के अनाउंसमेंट का डे है, तो किस चीज को लगता है कि उसका एवन ग्रेड आएगा? सबका एवन ग्रेड आएगा, इतने अच्छे पेपर दिए सर। आप ही छवी को मैं दावा दूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। पहले आप सब लोग खड़े हो जन के इस्तकबाल के लिए और इस शेर के साथ कि यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए। सर आप ही छवि के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, मोहतरम पेरेंट्स और मेरे अजीज बच्चों, जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है नूरिस्टर में तो मैं बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करता हूँ उस दिन कि मैं एक ऐसे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ कि जहाँ पर तमाम तलबा का रिजल्ट, बेशतर तलबा का रिजल्ट माशाल्लाह से बहुत ही शानदार होता है। और मैं फख्र करता हूँ इस बुनियाद के ऊपर कि यहाँ के स्टूडेंट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और मैं फख्र करता हूँ इस बुनियाद के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह नूर ईस्टर्न स्कूल नवाबशाह का एक बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल है। और मैं फख्र करता हूँ इस बुनियाद के ऊपर भी कि यहाँ पर जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाबशाह के बेहतरीन असातिज़ा में से जो असातिज़ा हो सकते हैं वो असातिज़ा हैं जो आपको तालीम दे रहे हैं। तो इन बुनियादों पर मैं हमेशा अपने अंदर एक फख्र के जज्बात महसूस करता हूँ, और ये बात मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये एक सिर्फ रिवायती स्कूल नहीं है। हमने यहाँ पर आपके लिए एक जो अच्छा इंटरनेशनल सतह का जो तालीमी सिस्टम हो सकता है उस सिस्टम को यहाँ पर आपके लिए राइज किया हुआ है, वो यहाँ पर डेवलप किया हुआ है, जिसके लिए हमें जो कंसल्टेंट फर्म्स हैं तालीम के लिहाज से उनकी रहनुमाई और उनकी कंसल्टेंसी जो है वो हमें दस्तयाब रहती है कि जिनकी मदद से हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरी बुनियाद है इसकी वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर अपने तमाम तलबा को तालीम के साथ साथ उनके अखलाक को बेहतर करने की भी हमेशा पूरी तवज्जो दी जाती है, और हमारे जो तलबा हैं वो अखलाकी लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है। और उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पर जिस बेशतर स्कूलों से ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन इस स्कूल के अंदर तालीमी लिहाज से मौजूद होता है कि हमारे तलबा जो हैं वो डिसिप्लिन के लिहाज से बेहतरीन तलबा होते हैं। और उसकी वजह यह भी है कि हम हर साल हर वक्त कुछ ना कुछ नया आपके लिए करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि जो आपकी सलाहियतों में, आपके इल्म के अंदर, आपके जो सोच विचार की जो सलाहियत है उसके अंदर इजाफे का बाइस बनता रहे। जिसके लिए जो हमने करीब में इकदाम किए हैं उसमें से जो कुछ एक कदम ये भी है कि हमने जो यूट्यूब पर और फेसबुक के ऊपर जो अपना जो मवाद को अपलोड करना शुरू किया है, जिसका मकसद यही है कि वो ऐसा मवाद हो जिसमें पेरेंट्स के लिए भी रहनुमाई हो, जिसमें पेरेंट्स के जो मसले हों, जिसका हमने भी आगाज किया है और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो पेरेंट्स के मसाइल हैं या इश्यूज हैं या वो जानना चाहते हैं उसको अपलोड किया जाता रहेगा। जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, जो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स को मुसलसल गाइडेंस चाहिए वो मवाद अपलोड किया जाता रहेगा। टीचर्स को जो ट्रेनिंग के हवाले से, मालूमात के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से जो चीजें चाहिए वो मवाद अपलोड इंशाल्लाह किया जाता रहेगा। और ये यकीनी तौर पे एक मुस्तकिल एक जरिया होगा तरबियत का, रहनुमाई का। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे इस मौके पे ये भी कहना चाहता हूं कि हर वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। हर वालिदैन की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है दुनिया के अंदर वो चीज़ उसको फराहम करें। उसके लिए वो उसका तमाम किस्म का खर्च बर्दाश्त करता है, उसके लिए तमाम किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करता है। बेटे शायद आप वाकिफ ना होते हो कि एक बाप जिस लोग के जूता पूरे साल से इस काबिल था कि वो नया खरीद ले, उसमें जो कील लगे हुए थे वो रोज उसके पाँव को तकलीफ देते थे, उसके ऊपर कई जगह टांके भी लगे हुए थे, लेकिन वो अपना जूता नहीं लेता, लेकिन आपकी फीस जमा करवा देता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े।
एक माँ जो उसके कपड़े बोसीदा हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, हुए हैं, वो चाहती है कि वो नए कपड़े खरीद ले, लेकिन वो इसलिए नहीं खरीदती है कि वो आप इस साल मैं अपने बच्चे की किताबें ले लूँ, उसका कोर्स तो खरीद लूँ, अगले साल मैं अपना ये एक साल और इसे चला लेती हूँ, मैं अपने ये कपड़े अगले साल ले लूँ। वो माँ बाप अपने इलाज के लिए दवाई नहीं लेते हैं, लेकिन आपके लिए जो ट्यूशन्स की फीस जो है वो जरूर अदा करने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा किसी चीज में पीछे ना रह जाए। बेटे वो इसलिए ऐसा करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे आगे निकले, सबसे अच्छा साबित हो। वो ये चाहते हैं कि जो ख्वाब वो अपने पूरे नहीं कर सके थे वो मेरे बच्चे उन ख्वाबों को पूरा करें, जो महरूमियां उन्होंने देखी थी मेरे बच्चे ये उन महरूमियों को ना देखें। तो बेटे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करें, आप उनके ख्वाबों के ऊपर पूरा उतरे। जो वो चाहते हैं, जो उनकी सोच है, वो इतनी कुर्बानियां देकर आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेहनत करें और दुनिया के हर मैदान के अंदर आगे निकल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ऐसा ही करेंगे। बकौल इकबाल की मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पर डालते हैं दमन, और वही जवान है कबीले की आंख का तारा, किरदार उसका जिसका बेदाग और जर्ब हो जिसकी कारी। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप और आगे कामयाबियां हासिल करेंगे। आप सबके लिए बहुत सारी शाबाश, जो असरदार इनके साथ बहुत सारी मेहनत की उनके लिए बहुत सारी शाबाश। अल्लाह ताला ने एक मकसद से हमें यहाँ भेजा है कि दुनिया में जाकर हम इंसान की और इंसान की वो जो है क्या नाम है खिदमत भी करें, नेकी को फैलाएं और बुराइयों से लोगों को बचाएं। ये एक खास है कि नेक बनो और नेकी फैलाओ। हमें इस मकसद से दुनिया में भेजा कि हम यहाँ नेकियों को फैलाएं और बुराइयों को ख़त्म करें। बेटा अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह अल्लाह के भी हम ज़रूर कामयाब होंगे, उसका रिजल्ट भी अल्लाह ताला में देगा। सर इमरान लखवी को दावत देना चाहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ न्यू ईस्टर्न कॉलेजिएट बॉयज कैंपस, स्कूल के इम्तिहान में आपने A1 तो ले लिया, लेकिन आप A1 वाले बच्चे में से देखते हैं कि इसमें अदब इखलाक में जो है A1 ग्रेड में कौन से बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चे A1 में तो हैं, लेकिन उसमें कोई अदब नहीं है, वालदेन का ना, रिश्तेदारों का ना, जो है मोहल्ले वालों का। तो बेटा उनका A1 ग्रेड की डिग्री किसी काम की भी नहीं है। जब तक आप में अदब इखलाक नहीं होगा तो आप यकीनी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिख साहब से बुलाना चाहूंगा अब्दुल रहमान आबिद को, जिन्होंने A1 ग्रेड हासिल किया है, आपकी भरपूर तालियों में। Ali Hassan from 6 star A1 grade. Ghulam Mohyuddin from 6 star A1 grade. Shahzad Ali from 6 star A1 grade. Hamza Ali Akhtar from 6 star A1 grade. Hamza Ali, Uzefa Ali from 6 star A1 grade. Sakalain Heather from 6 star A1 grade. Gul Muhammad from 6 star A1 grade. Zainul Abdin from 6 star A1 grade. Muhammad Idris from 6 star A1 grade. सबसे पहले मैं दावत दूंगा शहबाज अली को A1 grade from 6 mom. Muhammad Talha 6 moon A1 grade.
राहिद खान सिक्स मोन एवन ग्रेड, मीर हमजा सिक्स मोन एवन ग्रेड, याकूब रजा सिक्स मोन एवन ग्रेड, सही यार इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया तकसीम करें। सर नासिर अहमद, सबसे पहले जो है सेवन स्टार का इधर अनाउंस करते हैं, नबील अहमद सेवन स्टार एवन ग्रेड, उबैद रजा सेवन स्टार एवन ग्रेड, उजैर सेवन स्टार एवन ग्रेड, एहसन नदीम सेवन स्टार एवन ग्रेड, यासिरुल हसन सेवन स्टार एवन ग्रेड, इब्तिसाम आबिद सेवन स्टार एवन ग्रेड, मोहम्मद साद हसन सेवन स्टार एवन ग्रेड, मोहम्मद अली शाह सेवन स्टार एवन ग्रेड, फैजान इकबाल सेवन स्टार एवन ग्रेड, हसन रजा सेवन स्टार एवन ग्रेड, आदिल अहमद सेवन स्टार एवन ग्रेड, अब जो है सेवन मोन के अंदर की बारी है, अनस गुलजार एवन ग्रेड, अली हसनैन सेवन मोन एवन ग्रेड, सबीउल इस्लाम सेवन मोन एवन ग्रेड, जैद इकबाल सेवन मोन एवन ग्रेड, सर नासिर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी जगह ले सकते हैं। एट स्टार के लिए तालियां बजा दें क्योंकि इसमें जो है 18 स्टूडेंट ने जो है एवन ग्रेड हासिल किए हैं। दानिश अहमद एट स्टार एवन ग्रेड, अनस मोहम्मद यूसुफ सेवन एट स्टार एवन ग्रेड, मुबशिर अख्तर अली एट स्टार एवन ग्रेड, उबैद मोहम्मद आरिफ एट स्टार एवन ग्रेड, हारिस कैसल अली एट स्टार एवन ग्रेड, अहमद शहजाद एट स्टार एवन ग्रेड, अदील अहमद एट स्टार एवन ग्रेड, मोहम्मद हाशिम नईम एट स्टार एवन ग्रेड, अरे ताले तो तेज बजाएं थोड़ी सी, अब्दुल समद रियाज एट स्टार एवन ग्रेड, अब्दुल वहाब एट स्टार एवन ग्रेड,
हमसे गुजर 8th स्टार A1 ग्रेड। इनाम कामरान 8th स्टार A1 ग्रेड। उजे हसन राव 8th स्टार A1 ग्रेड। जुनेद मोहम्मद इकबाल 8th स्टार A1 ग्रेड। अहमद रजा हमीद 8th स्टार A1 ग्रेड। निहाल अहमद 8th स्टार A1 ग्रेड। नूर मुस्तफा 8th स्टार A1 ग्रेड। हसन रजा वसीम 8th स्टार A1 ग्रेड। अब जो है वो 8th मून की बारी है, इसमें भी जो है वो 7 तुलवा ने जो है A1 ग्रेड हासिल किए हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा तहसीन अहमद A1 ग्रेड फ्रॉम 8th मून। मोहम्मद कादी शेरियार फ्रॉम 8th मून। मोहम्मद वसी हैदर फ्रॉम 8th मून A1 ग्रेड। नुमान हुसैन 8th मून A1 ग्रेड। जीशान 8th मून A1 ग्रेड। नासिर अली रमजान 8th मून A1 ग्रेड। मोहम्मद काजी अस्फनिया 8th मून A1 ग्रेड।